हेलो फ्रेंड्स, बहुत सारे दिनों के बाद फाइनली वेलकम टू इंडियन ट्विंस बेबी। आई नो बहुत ज़्यादा वक्त हो गया है। एक्चुअली बीच में मैं सिर्फ शॉर्ट वीडियो ही अपलोड कर रही थी। एक्चुअली पहले मैं शूट कर रही थी, फिर एडिटिंग के लिए टाइम नहीं मिलता था, और धीरे धीरे तो ये होता गया कि मुझे शूटिंग के लिए भी टाइम नहीं मिलने लगा। और मैं अपने शेड्यूल को अच्छे से बिठा रही थी, जैसे ही मैं बिठा देती थी बच्चों का शेड्यूल चेंज हो जाता था और मुझे फिर से वहीं करना पड़ता था। तो ये कुछ ऐसा चल रहा था ना कि मैं कोई वीडियो शूट कर ही नहीं पा रही थी। बट कुछ दिन पहले मुझे ज़ाबिया जी, शायद मैं सही नाम ले रही हूँ, तो उन्होंने एक कमेंट किया था, एक मैसेज किया था, और मुझे फिर से वो मोटिवेशन मिल गया कि लोग भी मेरे वीडियो का भी इंतज़ार कर रहे हैं, लोग मेरी भी सुनना चाहते हैं, मेरे एक्सपीरियंस को भी सुनना चाहते हैं। तो मैंने सोचा चलो आज तो एक वीडियो बना ही देते हैं। एक्चुअली ये जो आज का वीडियो है वो शेड्यूल के बारे में है कि क्या शेड्यूल होना चाहिए एक मम्मा का, जब जहाँ पे उसे आराम भी मिल जाए, काम भी हो जाए, बच्चे के साथ टाइम भी स्पेंड हो जाए। और ज़रूरी नहीं है कि बच्चे ट्विंस हो, कभी कभार एक दो साल का गेप या दो तीन साल का गेप हो बच्चे में, तो वो एग्जैक्टली सेम ही होता है जैसे कि ट्विंस में होता है। तो उस वक्त भी मम्मी को उतनी ही तकलीफ़ होती है जितनी तकलीफ़ एक ट्विंस की मम्मा को सारी चीज़ों को बैलेंस करने में होती है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। मेरे बच्चे अभी 1.5 साल के हुए हैं, 2 साल के नहीं, अभी सिर्फ 1.5 साल के हुए हैं दोनों, एक लड़का है एक लड़की है। अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो प्लीज़ मेरी इस चैनल को चेकआउट कीजिएगा। और एक बात और भी बता दूँ, मैंने IVF के थ्रू कंसीव किया था, तो मैं IVF को लेकर भी अपनी स्टोरी बताने वाली हूँ। और बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ अब कोशिश करूँगी कि रेगुलरली पोस्ट कर पाऊँ, तो बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ आने वाले हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी शेड्यूल का ऐसा है कि किसी भी बच्चे का शेड्यूल एक दूसरे से सेम नहीं होता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि वेदिका और विहान, तो उन दोनों का भी शेड्यूल सेम नहीं होता है। कभी कभी दोनों का अलग हो जाता है, कभी विहान सो जाता है तो वेदिका को जागना होता है, और कभी वेदिका जाग रही होती है तो विहान को सो जाना होता है। पर ऐसा हफ्ते 15 दिन में एक आध बार ही होता है। ज़्यादातर दोनों साथ में सोते हैं, ये आदत मैंने पहले से रखी है और अब तक वहीं चली आ रही है। दोनों को साथ में सोना है, साथ में उठना है, तो उस बीच मुझे काम करने का पूरा टाइम मिल जाता है, ठीक है। अभी एक तो ये बात समझ लीजिएगा कि बच्चा हमारे हिसाब से एडजस्ट नहीं करेगा। अगर आप ये कोशिश कर रही है कि आपको इस वक्त टाइम होता है तो आप इस वक्त बच्चे को सुलाएगी, आप इस वक्त बच्चे को जगाए रखेगी, तो ये नहीं हो पाएगा। बच्चा इरिटेट हो जाएगा, उल्टा आपको परेशान करेगा और आप थक जाएगी। तो मेरी मानने तो पहले जो बच्चे का शेड्यूल है उसे देखें कि वो कैसा है। जैसे कि हमारे किस्से में ऐसा है कि मेरे दोनों बच्चे रात को जल्दी सो जाते हैं। जल्दी से मेरा मतलब है 8:30 से 9 बजे तक दोनों सो जाते हैं, देरी 9:30 तक, उससे ज़्यादा वो नहीं जागते हैं। और सुबह 6 से 6:30 के बीच में विहान जग जाता है और 7 बजे तक वेदिका जग जाती है। विहान उठ के मुझे उठाने की कोशिश करता है, पर मैं पहले से ही लेट उठने वाली बन गई हूँ, तो मुझे थोड़ा सा वो उठाता है पर मैं नहीं उठती हूँ, थोड़ी सी मस्ती करते हैं ऐसा करते हैं। और उसके बाद मैं 7:30 से 7:30 के आसपास मैं उठती हूँ। तो हमारा शेड्यूल इस तरह से सेट है। और वो 8:30 से 8:30 जब सो जाते हैं, उसके बाद मेरे पास टाइम काम करने के लिए पूरा 11:30 बजे तक का टाइम होता है, क्योंकि मुझे नींद 11:30 बजे आती है। तो उतना वक्त होता है कि मैं अपना जो भी काम है वो कर सकती हूँ। खाना वाना मैं पहले ही बना लेती हूँ, क्योंकि हम सब एक जैसा ही खाना खाते हैं अब तो। तो खाना मैं 6:30 से 6:30 बजे शाम के बना लेती हूँ। सुबह उठने के बाद विहान मेरे साथ जग गया होता है, उसके पापा हमसे पहले जग जाते हैं, तो वो थोड़ी देर खेलते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। उस दौरान मैं फ्रेश हो जाती हूँ, उनके पापा के लिए टिफ़िन बनाती हूँ, ब्रेकफास्ट बनाती हूँ और कपड़े धोने के लिए डाल देती हूँ। उसके बाद हम सब बैठ के साथ में नाश्ता करते हैं। और पहले मैंने सोचा था कि मैं ये वीडियो, छोटे छोटे वीडियो को शूट करके बनाऊँ, उसमें एक वॉइस ओवर दे दूँ, इतना अच्छा वीडियो बनाऊँ, पर मुझे लगता है उसमें टाइम ज़्यादा जाएगा और थोड़ा सा
एडिटिंग का भी मुझे ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा और इस वक्त मैं उस कंडीशन में नहीं हूँ। आई होप आप समझ सकते हैं कि मैं इतना सारा एडिटिंग में एफर्ट डाल सकूँ। और दूसरा ये कि हम आई टू आई बात नहीं कर रहे होते, बीच में कुछ और सीन्स चल रहे होते, तो हो सकता है कि आपको जल्दी से समझ में भी ना आए जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि मैं ऐसे ही वीडियो बनाती हूँ। फिर जब ब्रेकफास्ट हो जाता है दोनों बच्चे का, उसके बाद हम लोग खेलते हैं। उसके पापा जब नहा धो के फ्रेश होके वो जब चले जाते हैं ऑफिस के लिए, उसके बाद मैं एक छोटा सा गेप लेती हूँ। वो गेप इसलिए होता है, सारा काम साइड में रख के उस गेप में मैं उन दोनों को सुलाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि वो सुबह जल्दी जग जाते हैं। तो 10:30 के आसपास वो एक नैप लेते हैं छोटी सी, तकरीबन 1 से 1.25 घंटे की। तो उस वक्त मैं उसे सुलाने की कोशिश करती हूँ। उस वक्त हम बातें करते हैं, कहानियाँ करते हैं, खेलते हैं, सोते सोते। और जब वो दोनों सो जाते हैं उसके बाद, यानी कि 10:30 बजे से लेके 11:30-12 बजे तक, कभी कभी 12 बजे तक भी मेरे पास टाइम होता है फटाफट से वो सारा काम करने का जो मैं करना चाहती हूँ। हालांकि मैंने झाड़ू पोछा के लिए और बर्तन के लिए हाउस हेल्प रखी है, मेड आती है जो आके ये दोनों काम में मुझे मदद कर देती है, तो ये दो काम का मुझे टेंशन नहीं होता है। दोपहर का खाना मैं सुबह ही बना लेती हूँ, तो मुझे खाने का भी टेंशन नहीं होता है। कभी बच्चों के लिए गर्म खाना थोड़ा बहुत कुछ बनाना होता है, जैसे कि दाल भात हो गए, फिर कभी कभी और कुछ भी होता है बच्चों के लिए बनाना, मैं उसे क्या क्या खिलाती हूँ, क्या क्या ऑप्शंस है, उसके बारे में भी कभी आपसे कोई वीडियो शेयर करूँगी डेफिनेटली। तो जब बच्चे उठते हैं तो मेरे पास सीधा ही खाना रेडी रहता है, तो हम लोग सीधा ही थोड़ी देर खेलने के बाद खाने बैठ जाते हैं। खाने के बाद हम थोड़ी देर खेलते हैं। अभी थोड़ा सा मौसम ठीक है, बारिश का मौसम थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो गया है, धूप कम होती है, इसलिए लेके जाती हूँ 1:30 बजे के करीब उसे खेलने के लिए बाहर। और फिर हम लोग खेलते हैं, घूमते हैं, मस्ती करते हैं, फिर घर पे आते हैं। घर पे आने के बाद वो दोनों ऑलरेडी थक चुके होते हैं, और वैसे भी 3 बजे के आसपास वो एक और नैप लेते हैं जो थोड़ी सी लंबी होती है, 1.5 से 2 घंटे और कभी कभी 2.5 घंटे की भी होती है। तो वो 3-3:30 के आसपास वापस दोनों सो जाते हैं, कभी कभी 4 भी बज जाते हैं, 6, 6:30, 7:15 कभी भी उठते हैं। तो इन समय के दौरान शाम के खाने की तैयारियां कर लेती हूँ और मैं भी उसके साथ सो जाती हूँ। पहले तो मैं सो जाती हूँ और 4:30-5 बजे मैं उठ जाती हूँ, वो सोते रहते हैं, और फिर मैं अपना जो शाम का खाने का जो कुछ भी है वो बना लेती हूँ। शाम का ज़्यादातर काम मैं इस वक्त कर लेती हूँ ताकि वो जब उठे तो उसके साथ खेलने के बाद उसे 7:30-8 बजे मैं खाना खिला दूँ। और खाना खिलाने के बाद उसे नहलाना होता है, और नहलाने के बाद उसे वापस सोना होता है। आई नो 2 बार सोने के बीच में कम गैप है, पर फिर भी उन लोगों को यही पसंद है। वो खाना खाने के लिए उठते हैं, थोड़ा बहुत खेलते हैं और फिर सो जाते हैं। और कभी लेट उठे हो, मतलब 6 बजे के बाद उठे, तो वो 9:30 तक जागेंगे। तो उनका शेड्यूल कुछ इस तरह हिसाब से है, पर जो भी काम ऐसा है जो एक्स्ट्रा है, जिसे मैं आज करूँ कल करूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे काम जो भी है वो सारे काम मैं 9:30 बजे उसे सुलाने के बाद ही करती हूँ। खाने के बाद मुझे बर्तन नहीं करने होते हैं, तो मैं फ्री होती हूँ, फटाफट से एक बार फिर से घर में झाड़ू पोछा कर देती हूँ, सारी चीज़ें ठिकाने पे लगा देती हूँ, उनके खिलौने ठिकाने पे लगा देती हूँ। उसके बाद घर का जो छोटा मोटा काम है वो मैं करती हूँ। और अगर कोई और हो तो मैं ये भी एडवाइस करती कि भाई आप 10:30 बजे सो जाओ, आप 11 बजे सो जाओ, लेकिन मेरा ऐसा नहीं है। मुझे 11:30 से पहले नींद नहीं आती है, क्योंकि मैं दोपहर को एक नैप ले लेती हूँ। जब नहीं लेती हूँ तब मुझे 11 बजे नींद आने लगती है, 10:30 बजे नींद आने लगती है, लेकिन मोस्टली ऐसा नहीं होता है। तो तब मैं सो जाती हूँ, जब नहीं होता है तब मैं जागती हूँ और काम करती हूँ। पर ऐसे ही मेरे पूरे दिन बीतते जाते हैं, निकलते जाते हैं, और यही है मेरा शेड्यूल। हाउस हेल्प एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है जब आप छोटे छोटे बच्चों की केयर कर रहे हो। अगर हाउस हेल्प ना हो तो घर में 1 से ज़्यादा सदस्य होते हैं, तो उनकी थोड़ी थोड़ी हेल्प ले लिया कीजिए, क्योंकि वो ज़रूरी होता है। हर किसी की थोड़ी थोड़ी हेल्प रहेगी तो काम करना आसान हो जाएगा और बच्चों के साथ टाइम भी बहुत अच्छे से बीत जाएगा। ऐसा हमेशा नहीं था मेरा जो शेड्यूल आज है, वो पहले बहुत अलग होता था। जब बच्चे 3 महीने तक के थे तो मेरे पास टाइम ही टाइम था, क्योंकि उसे दूध देना, उसे
उसे मेडिसिन देना, उसके नींद का टाइम, सारा मैंने इतना टाइम टेबल बना के रखा था कि इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, तो सब वैसे ही चलता था। और जैसे 3 महीने से बढ़े तो मेरे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग उसका कुछ नहीं होता था। अगर आज वो 4 बजे सोए, कल भी 4 बजे ही सोएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हो सकता है कि वो एग्जैक्ट 4 बजे ना सोना चाहे, कभी 3:30 बजे सोना चाहते हैं, मुझे पता नहीं चलता कि उसे नींद आ रही है, पता चलता है तब तक वो काफ़ी रो रहे होते हैं। तो ऐसा बहुत सारा ये होता है सब, जब आप एक मदरहुड की जर्नी स्टार्ट करते हैं तो ये सब होता है। और ये ऐसा नहीं है कि कुछ अलग है, सबका सेम ही होता है। ये मैंने नोट किया है कि सबका सेम होता है, क्योंकि मैं ऐसी बहुत सारी माँ को जानती हूँ। इनफैक्ट मैं ये भी जानती हूँ कि मदरहुड जर्नी की शुरुआत जो है वो सब एक अनइवन चार्ट से ही होती है, जहाँ पे कुछ भी प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं जाता है। आपकी पहले की लाइफ हो उसमें बहुत सारे प्लानिंग काम करते होंगे मे बी, बट आफ्टर बीइंग अ मदर नो प्लान एग्जिस्ट। इनफैक्ट 1.5 साल के बच्चे तक तो नहीं करते, ये मुझे पता है। कोई कितना भी क्यों ना यूट्यूब पे ये बता दे, मैंने बहुत सारी मम्मियों को ऐसे बोलते हुए भी सुना है। मैं जब सुनती थी तो मुझे लगता था कि ये कर सकती है, मैं कर सकती हूँ, मैं करती हूँ, पर नहीं हो पाता है कभी कभी, क्योंकि आपके बच्चे और उसके बच्चे में हो सकता है डिफरेंट हो, उन्होंने कुछ इस तरह से उसे पता नहीं, ऐसा हो सकता होता होगा मैं भी किसी से, पर अगर मुझसे नहीं होता है तो मैं ये एक्सेप्ट करती हूँ कि यस ये मुझे नहीं करना है। मैं अपने बच्चों के शेड्यूल के लिए उसे ज़्यादा टॉर्चर नहीं कर सकती, जो उसका शेड्यूल है उसी के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लूँगी। और घर की क्लीनलीनेस भी मेरे लिए अभी तो इतनी मायने नहीं रखती है, मायने रखते तो सिर्फ बच्चे, मैं, हमारा क्वालिटी टाइम और मस्ती, क्योंकि वो धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और बहुत ही जल्द इतने बड़े हो जाएंगे कि वो स्कूल जाने लग जाएंगे, उसके बाद कॉलेज, उसके बाद पता नहीं कब ऐसा वक्त आ जाएगा कि हम लोगों के पास एक दूसरे के लिए टाइम कम होता जाएगा। जब अभी बहुत ज़्यादा है तो क्यों ना उसका इस्तेमाल करें, तो प्लीज़। और अगर आपके आसपास कोई ऐसी मम्मी है जो अपने बच्चे पे ध्यान दे रही है ज़्यादा से ज़्यादा, काम में थोड़ा सा आगे पीछे रह रही है, तो प्लीज़ डोंट जज हर, बिकॉज ये एक फेज़ है लाइफ का जो एन्जॉय करने के लिए बना है। तो मुझे नहीं लगता इस वक्त किसी को भी जज करना चाहिए। और ये था मेरा शेड्यूल जहाँ पे मैंने बात की आप आराम और दोनों को कैसे साथ में एडजस्ट कर सकते हैं। और रही बात कि मैं जो 2 चीज़ें मैट से करवाती हूँ, अगर आप नहीं करवाना चाहते हैं तो हो सकता है आपके घर में कोई और लेडी हो, कोई और हो जिससे आप थोड़ा बहुत और काम में हेल्प ले सकते हो, या फिर आप जब बच्चा सो रहा है उस वक्त तो उस काम को एडजस्ट कर सकते हो, या फिर कोई ऐसा काम कि जैसे कि झाड़ू पोछा के लिए मैंने हेल्प अभी 2-3 महीने से ही स्टार्ट की है। उससे पहले मैं ऐसा करती थी कि रात को जब दोनों सो जाते थे तो सबसे पहला काम मैं पूरे घर में क्लीनिंग मॉपिंग करती थी। झाड़ू पोछा करने के बाद ही मैं सुबह जब हम नाश्ता करते थे, जब भी थोड़ा बहुत मैस कहीं पे भी होता था, एक पोछा ना मेरा एक नहीं 2-4 पोछे पड़े रहते थे वहाँ पे, फटाक से लेके उसे क्लीन कर दिया, तो घर में ऐसा नहीं लगेगा कि सब गंदा पड़ा है। बाकी हाँ, जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, जो डेली क्लीनिंग रूटीन है, वो हो सकता है आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए बच्चे की वजह से, बट डोंट वरी, ऐसा होता है। और ये फेस इंजॉय करने के लिए है, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए है, काम तो ठीक है ज़िंदगी भर चलता ही रहेगा। और हाँ, प्लीज़ आराम भी कीजिए। अगर मेरी बात माने तो मैं इतना कहना चाहती हूँ कि रात को 6 से 7 घंटे आराम से नींद कीजिए। अगर आपका बच्चा छोटा है तो उसे दूध वूध पिलाने के लिए आपको उठना पड़ेगा, जगना पड़ेगा। अगर आपके ट्विंस है तो प्लीज़ अपने पार्टनर से भी हेल्प लीजिए। हम जब वेदिका विहान के साथ थे तो मैं 1.5 महीने अपनी मम्मी के घर रही थी, तो मेरी मम्मी ने एक बच्चे को संभाला और मैंने एक बच्चे को संभाला रात को। और जब मैं यहाँ आ गई तो यहाँ पे भी एक बच्चे को भावेश, मेरे हस्बैंड देखते थे, और एक को मैं देखती थी, ताकि हम दोनों नींद भी अच्छे से कर पाए और अच्छे से दोनों को। और ये फेस भी बहुत कम
5-6 महीने तक रहा था शायद। उसके बाद दोनों को बोतल पकड़ना आ गया था और मैं दोनों को फीड नहीं करवा पाई थी। मैंने दोनों को फॉर्मूला मिल दिया था और फॉर्मूला अच्छा है बुरा है कैसा नहीं उसके बारे में भी अगर आप चाहें तो मैं आपको एक वीडियो बना के दे सकती हूँ, क्योंकि मैंने दोनों बच्चों को एक साल तक कम्प्लीटली फॉर्मूला दिया था, तो मैं आपके साथ वो भी शेयर कर सकती हूँ। और बहुत ही जल्द एक और वीडियो आने वाली है जो बच्चों की इम्यूनिटी पर डिपेंड होगी। मैंने सुना है कि अभी तीसरी लहर के बारे में बातचीत चल रही है कोरोना की, और उसमें बच्चों की जो इम्यूनिटी है उसका टेस्ट होने वाला है। तो हम फरवरी में चारों, दोनों बच्चे और हम दोनों हस्बैंड वाइफ, बच्चों का हमने टेस्ट नहीं करवाया था, पर हम हस्बैंड वाइफ कोरोना पॉजिटिव हुए थे। और उस वक्त बच्चों ने बहुत ही अच्छे से फाइट इस सिचुएशन को किया था, उनको इवन छोटी सी सर्दी खांसी भी नहीं हुई थी। तो आई थिंक कि मैं ये बताने के लिए कैपेबल हूँ कि बच्चों की इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि मैंने जो कुछ चीज़ें की उसकी वजह से उन लोगों की इम्यूनिटी इतनी तो हार्ड हुई थी कि उन्होंने कोरोना को मात दी थी। जब उसके साथ 2 पेशेंट रह रहे थे कम्प्लीटली, फिर भी उन्होंने अच्छे से फाइट किया। और एक अच्छे से कोरोना से फाइट किया। और आई थिंक तो मुझे इस पर भी एक वीडियो बनाना है बच्चों की इम्यूनिटी को लेके, और हमारी कोरोना स्टोरी भी उसमें थोड़ी सी डिस्कस होगी। और कोई भी अगर आप एक्सपीरियंस मेरा जानना चाहते हैं ट्विन प्रेगनेंसी को लेके, IVF को लेके, या फिर मदरहुड को लेके, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। आपके कमेंट मुझे बहुत ही सारा मोटिवेशन देते हैं। और मेरे पास टाइम नहीं था, फिर भी मैं फटाफट से ये सब किया। बच्चे सो रहे हैं, मुझे आज सोना नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं फटाफट से ये वीडियो बना देती हूँ। और मैंने वीडियो बनाया भी इस तरह से है कि मुझे उसे कम से कम कट लगाने पड़े और ईजिली एडिट हो जाए, ताकि मैं अच्छे से आप लोगों के सामने इसे प्रेजेंट कर पाऊँ बहुत ही जल्दी। और अगर थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर रह जाए तो प्लीज़ चला लेना। और आई होप कि आपको सही इन्फॉर्मेशन कुछ मिल पाई होगी मम्मी की स्केड्यूलिंग के बारे में, और बच्चे के साथ किस तरह से घर को इजीली हैंडल करना है उसके बारे में। और कभी व्लॉग बनाऊंगी तो आपको पूरा दिखाऊंगी भी कि घर का हालत हमेशा कैसा रहता है और मैं उसे किस तरह से मैनेज कर पा रही हूँ। बट इस वक्त मेरे पास सिर्फ इतना सा टाइम था, तो मैंने इतने सा टाइम में ये वीडियो आपके लिए निकाला है। अगर आप अब तक इस वीडियो को देख रहे हैं, यानी कि लास्ट तक देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो पसंद आया है। प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो। और आपको लगता है कि ये किसी मम्मी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, उन्हें ये अगर दिखाया जाए तो अच्छा है, तो प्लीज़ उनके साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि मेरा ये वीडियो ज़रूरी लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच पाए। और थैंक यू सो मच मुझे मोटिवेट करने के लिए, थैंक यू सो मच हमारी चैनल पे आने के लिए, थैंक यू सो मच हमें सब्सक्राइब करने के लिए। मिलती हूँ बहुत ही जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।